मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यहां के जनप्रिय सांसद, जुझारू नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, श्रीमान रमापति जी, श्री सूर्य प्रताप जी, श्रीमान कलराज जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, भाई विनय कटियार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और गौरक्षपीठ की इस पवित्र धरती पर पधारे हुए लाखों लाखों भाइयों और बहनों, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र ने एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा ठान ली है। उत्तर प्रदेश की जितनी रैलियां की, हर रैली अगले वाली रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं हेलीकॉप्टर से जब आ रहा था तो ये दृश्य देख रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। मानो जैसे जन समंदर हो। भाइयों बहनों, इस ठंड के समय में और वो भी गोरखपुर और अगल बगल के इलाके से इतनी बड़ी रैली, भाइयों बहनों, ये बदलती हुई हवा का रुख दिखाती है। हवा किस तरफ चल रही है, आज आपकी आवाज बनारस की गलियों में भी गूंज रही है। भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव का फैसला देश के कोटि कोटि जनों ने कर लिया है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की विदाई ये देश ने तय कर ली है मित्रों, और कांग्रेस मुक्त भारत
ये इस बार साकार होके रहेगा, ये नजारा साफ कह रहा है भाई। भाइयों बहनों, मुझे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विशेष अभिनंदन करना है। पंद्रह दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी और उस दिन पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया था। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश के हर कोने में इस ठंड में लाखों नौजवान एकता दौड़ के लिए दौड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दौड़े और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया कि एक दिन में एक ही समय हिंदुस्तान के 1100 से अधिक स्थानों पर 50 लाख लोग दौड़े थे। भाइयों, हमारे ओम प्रकाश जी मुझे बता रहे थे कि अभी जो लोहा संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनने वाली है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे दो गुना बड़ी होने वाली है, डबल। और भारत के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार काम में लाया है, उस औजार के लोहे का टुकड़ा देश के हर गांव से इकट्ठा करके उससे सरदार साहब की प्रतिमा बनने वाली है। एकता का एक अभिनव प्रयास, और उस प्रयास में उत्तर प्रदेश ने जो साथ और सहयोग दिया है, जो उत्साह और उमंग दिखाया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हर गांव का, हर किसान का, हर नौजवान का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जगह ही नहीं है, क्या करोगे? इतनी बड़ी जनमेदनी, अब कितनी ही कोशिश करो आगे नहीं आ सकते। भैया, मैं जहां नजर दौड़ाता हूं भैया, लोग ही लोग हैं, चारों तरफ ऐसा दृश्य, जनता जनार्दन के दर्शन ये ईश्वर के दर्शन बराबर होते हैं, ये सौभाग्य हमें मिला है। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर की धरती ऐसी है जहां हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऋषियों मुनियों का चिंतन, हमारे ज्ञानियों की सांस्कृतिक रचनाएं, इन सबको अक्षर देह देने का काम गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा हुई है। एक प्रकार से
ये ज्ञान की उपासना का काम हुआ है और वही समाज आगे बढ़ता है जो हर युग में हर समय ज्ञान उपासना की अपनी साधना निरंतर बनाए रखता है और उस काम में गोरखपुर की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उस धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ...2014 का चुनाव कैसा होगा उसका एक ट्रेलर अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। लेकिन उसमें भी मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोग मानते हैं दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ये तो कुछ ठेकेदार मानते हैं कि उनकी जेब में है। सालों से ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। और ये ठेकेदारों का मत था कि भारतीय जनता पार्टी आसमान से नीचे गिरे लेकिन दलितों में, आदिवासियों में अपनी जगह नहीं बना सकती है। ये इनके दावे थे। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, वहां का नजारा क्या है? राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 सीटें हैं। कितनी भाइयों, जरा याद रखिए कितनी। उसमें से कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली है, 1 भी। 34 में से अनुसूचित जाति की 32 सीटें राजस्थान में वहां की जनता जनार्दन ने कमल के निशान पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं। कितनी, जरा जोर से बोलिए कितनी। और कांग्रेस को कितनी मिली? भाइयों बहनों, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है, 1 सीट। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं अनुसूचित जाति की। कितनी है भैया, जरा जोर से बोलिए कितनी। 35 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरे दलित,
पीड़ित शोषित समाज में पीछे रह गए भाइयों बहनों को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है हमारी प्राथमिकता रही है गरीबों का कल्याण हो, लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बने, समाज के पीड़ित शोषित लोग गरीबी से मुक्ति का एहसास करें और उसी का परिणाम है कि आज दलित पीड़ित शोषित आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें हर बार करती आई है, चुनाव आते ही कांग्रेस को गरीब याद आते हैं, वो गरीबी की माला झपना शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया, लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला, वे गरीबों की गरीबी की बातें करते रहे लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया। साठ साल में बदलाव ना आए ऐसा तो देश नहीं हमारा, कारण क्या है? भाइयों बहनों, इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि कांग्रेस की वो कौन सी मानसिकता है, कांग्रेस की वो कौन सी रणनीति है, कांग्रेस की वो कौन सी सोच है जिसके कारण गरीबों के इतने वोट मिलने के बाद भी उनका छोटा मोटा हर नेता गरीबों की बात करता है, उसके बावजूद भी देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है। इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। वे किसी भी हालत में गरीब को गरीबी से लड़ने की ताकत देना नहीं चाहते, वे किसी भी हालत में गरीबी से मुक्ति का प्रयास नहीं चाहते हैं और उनके भीतर वो ऐसी मानसिकता पड़ी है जो मानसिकता गरीबों के प्रति उपेक्षा के भाव से भरी हुई है। अगर उनकी ये सोच न होती, उनके सोचने का एक तरीका न होता तो भाइयों बहनों, एक चाय वाला, एक गरीब मां का बेटा सर ऊंचा करे और कांग्रेस का एक भी नेता उसको सहने को तैयार नहीं है, ये उनकी मानसिकता का दर्शन करा। वे हमारे राजनीतिक विचारों का विरोध करते हैं, हमारे काम का विरोध करते हैं लेकिन कांग्रेस के नेता हमारी गरीबी का मखौल उड़ा रहे हैं। ये
इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी का गंभीर गरीबों के तरफ देखने का नजरिया क्या है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे एक जवाब देंगे आप जवाब देंगे, जवाब देंगे, क्या गरीबों का अपमान सहेंगे, क्या गरीबों का अपमान करने का प्रयास सहेंगे, गरीब विरोधी कांग्रेस की मानसिकता सहेंगे, गरीबों को वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस को सहेंगे। भाइयों बहनों, गरीबी के खिलाफ, और ये सिर्फ चाय वाले का विषय नहीं है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं 12 रुपए में खाना मिल जाता है, दूसरा नेता कहता है 5 रुपए में खाना मिल जाता है। भैया 12 रुपए में खाना मिल सकता है क्या, जरा बोलो तो उनको समझ आए, जरा मिल सकता है क्या, 5 रुपए में खाना मिल सकता है क्या, ये गरीब का मजाक नहीं है तो क्या है। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि गंगा यमुना के प्रदेश हो, मां गंगा इस धरती को पुलकित करती हो, लेकिन आज भी मेरे किसान की जिंदगी में सुखचैन के दिन नहीं आए हो, उसके कारण कौन जिम्मेवार है। भाइयों बहनों, खास करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में न रहते हो, मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। भाइयों बहनों, कौन नौजवान बेटा है जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात जाना पसंद करे, कौन बेटा है जो अपना गांव, अपने साथी, अपने खेत खलिहान, अपने बूढ़े मां बाप छोड़ करके इतनी दूर चला जाए, क्यों। अगर यहां उसे रोजी रोटी मिलती, उसको मेहनत करने का अवसर मिलता, तो मैं नहीं मानता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को गुजरात जाने की नौबत आती। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पर परमात्मा ने इतना सारा दिया है, इतनी प्राकृतिक कृपा है, अगर सही अर्थ में दिशा पकड़ करके अगर यहां 10 साल मेहनत की जाए, 10 साल ये उत्तर प्रदेश गुजरात से भी आगे निकल सकता है, ऐसा उत्तर प्रदेश बन सकता है। भाइयों बहनों, आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है,
मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए कि इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं, बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार 10 साल तक 10% से भी ज्यादा कृषि दर बनाना, इसका मतलब गुजरात होता है 3-4% में लुढ़क जाना। ये नेताजी आपकी हैसियत का नमूना है। नेताजी, आप गुजरात नहीं बना सकते हो, 10 साल हो गए, गुजरात सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, शांति एकता और सद्भावना लेकर के आगे बढ़ रहा है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, आप नहीं कर सकते हो नेताजी। भाइयों बहनों, मुझे खुशी होगी नेताजी अगर आप गुजरात उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसा बना दें, तो मेरे गुजरात के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश आने लग जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है। आप नहीं बना सकते। आपकी सरकार को इतना समर्थन मिला है, क्या किया अपने लोगों के लिए? न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। और भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान से गरीबी मिटानी है, अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिटा सकता है। अगर देश में रोजगार देना है, अकेला उत्तर प्रदेश रोजगार दे सकता है। पूरे हिंदुस्तान की शक्ल सूरत अकेला उत्तर प्रदेश बदल सकता है। यह ताकत उत्तर प्रदेश की धरती में है। भाइयों बहनों, आपको, कांग्रेस के नेता को, सपा बसपा को, और आपको तो मालूम है ना, सबका मालिक एक,
पता है सबका मालिक एक, सपा याने स याने सपा, ब याने बसपा, का याने कांग्रेस, और तीन का मालिक सबको पता है कौन है मालिक। ये सबका मालिक एक, इन्होंने विकास इनका विषय नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। आप मुझे कहिए भैया, यहां का गन्ना की खेती करने वाला किसान असहाय जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? यहां पानी हो, नदियां हो, लेकिन दूध बाहर से लाना पड़े, ऐसा उत्तर प्रदेश किसने बनाया? भाइयों बहनों, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में किसान है, पशु है, दूध देते हैं, चारा है, पानी है, तो फिर दूध बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकते ही नहीं बन सकती भैया? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं है। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है, और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए भाइयों बहनों। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं कर सकती है, और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश में कृषि को प्राथमिक देने की आवश्यकता है, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, हमारे कृषि क्षेत्र को बल देने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में फर्टिलाइजर पाने के लिए किसान को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट में लेना पड़ रहा है, और ये कमाल की सरकार देखो, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को ताला लगा करके बैठी है। एक तरफ फर्टिलाइजर की जरूरत है, दूसरी तरफ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, और ये कमाल शासक देखो, फर्टिलाइजर के कारखाने पर ताला लगा के बैठे। भाइयों बहनों, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति के आदि लोग, अपनी वोट बैंक को संभालो, सत्ता संभल जाएगी। अब वो जमाना चला गया, देश को विकास चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नई पीढ़ी को अपना भविष्य की सुरक्षा चाहिए, ये माहौल बन चुका है, और उसका नेतृत्व ये सबका मालिक एक कोई नहीं कर सकता। मित्रों, अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के रास्ते पर चल रही है, और वही इस बात को कर सकती है। भाइयों बहनों, अगर हमें कृषि क्षेत्र में विकास करना है, आप, मैं यहां के किसानों को आग्रह करता हूं कि आपका एक समूह गुजरात जाए, गन्ने की खेती करने वाले किसान और वहां चीनी बनाने वाले कारखाने, इनके बीच कितना बढ़िया तालमेल है। समय पर चीनी मिले चालू हो जाती है, समय पर गन्ना खरीद लिया जाता है, खरीदने के साथ भुगतान की जाती है, और चीनी बाजार में आती है। भाइयों बहनों, विषय व्यवस्था का होता है,
लेकिन जिस राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर इस समय पर नहीं ले पाते, वो चीनी के कारखाने समय पर कैसे चला सकते। हमारे देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर भी समय पर नहीं होती है, और उसके कारण करोड़ों करोड़ों नौजवानों के अमूल्य एक एक साल पीछे रह जाते हैं। कितना बड़ा मानव संसाधन का विनाश हम करते हैं। क्या हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी कॉलेज समय पर टाइम टेबल के तहत स्कूल कॉलेज चला करके बच्चों को एग्जाम दे करके हिंदुस्तान के और इलाके की बराबरी के लिए नहीं ला सकते? इनको करना नहीं है भाइयों, और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गांव है तो रोजगार के लिए हमें कृषि को बल देना होगा, और कृषि को भी आगे बढ़ाना है तो कृषि को तीन हिस्सों में बांटने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटने की समय की मांग है। एक तिहाई हम जो परंपरागत कृषि करते हैं इसको करें, एक तिहाई हम पशुपालन करें, और एक तिहाई हमारा खेत का जो छोर होता है आखिरी बॉर्डर, उस बॉर्डर पे वृक्षों की खेती करें, पेड़ लगाएं। आज देश को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर हमारा किसान अपने खेत की बॉर्डर पे इस प्रकार से पेड़ लगा देता है, घर में बेटी का जन्म हो उसके साथ ही अगर पांच पेड़ लगा दें, शादी करने की उम्र हो जाएगी, उस पांच पेड़ को काट करके बेटी शादी कराने का खर्चा निकल सकता है, हमारे किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए सही सोच चाहिए, सही दिशा चाहिए, सही नेतृत्व चाहिए, तब जाकर के समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये तो पूरा समय इसी बात में लड़ाते रहते हैं, गन्ने का दाम कितना मिले कितना न मिले, चीनी मिल चालू हो या न हो, इसी में समय बर्बादी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, सुशासन के बिना हम ये स्थितियों को बदल नहीं सकते। भाइयों बहनों, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, ये देश गरीब नहीं है, अमीर देश के लोगों को गरीब बनाया गया है, राजनीतिक हेतु पार करने के लिए बनाया गया है। देश अमीर है, लोग भी अमीर बन सकते हैं, और हमें ये गरीबी से मुक्ति का अभियान चलाने के लिए 2014 का चुनाव लड़ना है भाइयों। भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्या कारण है गांव के लोगों को बंदूक के लाइसेंस लेकर के बेचारों को कतार में खड़ा रहना पड़े, कहीं पर भी बाहर जाए तो बंदूकधारियों को साथ रखना पड़े, इसका क्या कारण है? भाइयों बहनों, गुजरात का मैं अनुभव बताता हूं, उत्तर प्रदेश से गुजरात में रोजी रोटी कमाने आए हुए नौजवान जब घर से निकलते हैं तो मां को बड़ी चिंता रहती है, और आजकल मोबाइल फोन होने के कारण बेटा ट्रेन में बैठने के बाद मां हर घंटे उसको फोन करती है कि बेटा कहां पहुंचे, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ट्रेन में संभाल के देखना, सामान संभालना, देखिए बाहर की चीज कोई खाना मत, मैंने घर से जो दिया है वही खाना, मां
हर घंटे मोबाइल फोन पर बेटे को बताती रहती है। बेटा कहता है मां तुम सो जाओ, अब तो गाड़ी चलती है, मैं गुजरात जा रहा हूं, मां तुम सो जाओ, चिंता मत करो। लेकिन मां सोती नहीं है। मां लगातार हर घंटे बेटे का हाल पूछती रहती है, ट्रेन के डिब्बे में क्या है बेटा। फिर मां पूछती है बेटा गुजरात आया कि नहीं आया, कितना दूर है, तुम गुजरात पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बेटा कहता है मां रात देर हो चुकी है, तुम सो जाओ ना, ट्रेन तो पहुंचेगी। मां मानने को तैयार नहीं, लेकिन जैसा ही बेटा बताता है कि मां अब ट्रेन गुजरात में प्रवेश कर चुकी है, तो मां कहती है बच पे बेटा अब मैं सो जाती हूं, अब सो जाती हूं, गुजरात के अंदर तुम्हारी ट्रेन पहुंच गई, मतलब तुम अब सलामत हो गए। भाइयों बहनों, ये हाल पूरे हिंदुस्तान का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान को रोता हुआ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को खून से लथपथ देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को बेरोजगार देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान के नौजवान को याचक के रूप में देखना नहीं चाहते। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं देशवासियों के पास कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? जरा दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बताइए, देंगे? देंगे भाइयों, पक्का देंगे? भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहता हूं, गोरखपुर की धरती से कह रहा हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, आपने 60 साल तक शासक चुने हैं, 60 साल तक शासकों को देश और राज्य चलाने का आपने काम दिया है। मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगने के लिए आया हूं। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाइयों बहनों, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हमारा जीवन खपा देने के लिए निकले हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आप सपने देख पाए, आप अपने अरमानों को पूरा कर पाए, ऐसा हिंदुस्तान आपको देने का मैं आज वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था, भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था चलो दिल्ली। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था चलो दिल्ली। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुखचैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों, भाइयों बहनों, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, 60 साल तक वोट बैंक की राजनीति को बहुत कुछ मिला है, 60 महीने के लिए विकास की राजनीति पर आशीर्वाद दे दीजिए। आप देखिए नौजवान के सपने पूरे होंगे। यहां बैठा हुआ कोई मां बाप चाहता है क्या कि जिस मुसीबतों में उसने जिंदगी गुजारी उसके संतान भी उसी मुसीबतें से गुजारे हैं? कोई मां बाप चाहता है? आपके मां बाप को जैसे जिंदगी गुजारनी पड़ी
क्या नौजवान आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपको भी प्रगति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी गांव में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गांव में रोड रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके खेत को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो काम सरकार का होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम इस देश को नया सा देखना चाहते हैं, नया सा रहने देना चाहते हैं। हम दुनिया की बराबरी करने वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए भाइयों। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं ये पूर्वांचल से उठी हुई आवाज भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव आएगा तब तो आप जीत देंगे ही देंगे, लेकिन आज मैं नतमस्तक होकर के कह रहा हूं आपने मुझे जीत लिया है। आपने मुझे अपना बना लिया है। भाइयों बहनों, इस प्यार को मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं दोस्तों। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, वंदे 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 वंदे।